यह क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो एक काम को पूरा करने में 18 दिन लेता है, बी इसी काम को पूरा करने में 20 दिन का समय लेता है, और सी जो है वो इस काम को 30 दिन में पूरा करता है। अब क्या है, बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं और काम को छोड़कर चले जाते हैं, इसके पश्चात ए जो है वो काम को शुरू करता है, तो आपको बताना ये है कि ए बाकी काम को करने में कितना दिन का समय लेगा। तो यहाँ पे सिंपली हमको 18, 20 और 30 का एलसीएम निकालना होगा, जो कि कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हम ये मानकर चलेंगे कि काम जो है टोटल वो कितना, 180 मिनट का काम है। ये 18 दिन में 180 काम करता है, एक दिन में 10 काम करेगा। ये 20 दिन में 180 काम करता है, एक दिन में आपका 9 काम करेगा। और ये 30 दिन में 180 काम करता है, एक दिन में आपका 6 काम करेगा। अब बी और सी जो है वो मिल करके 9, 6, 15 काम करेगा, और ये लोग 2 दिन तक काम कर रहे हैं, 2 दिन में कितना काम करेंगे, 15 दुना 30 काम ये लोग करेंगे। अब 180 काम में से 30 काम हो गया, बचा कितना, 150 काम। अब ए जो है वो एक दिन में 10 काम करता है, करना कितना है, 150 काम करना है, तो 150 को 10 से भागा देंगे तो हमारा 15 दिन आ जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर शाम में है। यह क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को पूरा करने में 6 घंटे का समय लेता है, बी 4 घंटे का समय लेता है, और सी 12 घंटे का समय लेता है। अगर तीनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, सॉरी कितने घंटों में समाप्त होगा, तो हमको इसका ऐसा लेना होगा जो कि होगा 24। अब 6 घंटा में 24 काम, तो 1 घंटा में 4 काम, 4 घंटा में 24 काम, तो 1 घंटा में 6 काम, 12 घंटा में 24 काम, तो 1 घंटा में 2 काम, सबको अगर हमको मिला देंगे तो 6, 4, 10, 10, 2, 12 काम, यानी कि तीनों मिल करके 1 घंटा में 12 काम करना करना 24 काम है, तो 24 को 12 से देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा पूरे काम को करने।